नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पार्ट 14। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले प्राचीन भारत पढ़ा था, जिसमें हमने प्राचीन भारत से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। और ये भी हमने लास्ट में पढ़ा राजपूताना वंश के बारे में, राजपूत वंश के बारे में, जो कि प्राचीन भारत का सबसे अंतिम पड़ाव है। और अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत, यानी सिसोदिया वंश जो है उसको पढ़ने के बाद लास्ट में अब हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत से। भारत पर अरबों का आक्रमण हम देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ध्यान रखेंगे कि अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण, सफल आक्रमण जो किया था वो किसके नेतृत्व में किया था, तो भारत पर अरबों ने प्रथम सफल आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखेंगे, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अरबों ने आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब आक्रमण किए थे सिंध पर, तब किसका शासन था? दाहिर का शासन था। दाहिर नाम के शासक थे जिनका शासन सिंध पर था। और 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय दाहिर का शासन था। ध्यान रखेंगे, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन दौलत को लूटना था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत पर। तो अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत पर धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनी के बारे में हम देखेंगे। अब 932 ईस्वी में अल्पत गिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो ध्यान रखेंगे कि अल्पत गिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अल्पत गिन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी। तुर्क सरदार का मतलब यह हुआ कि तुर्किस्तान जो आपका जगह है, वहाँ से जो थे गजनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक जो था उसका नाम अल्पत गिन था। और वो कहाँ का था? तो तुर्किस्तान यानी तुर्क का रहने वाला था। ध्यान रखेंगे, और जो राजधानी थी गजनी साम्राज्य की वो गजनी थी। ध्यान रखेंगे, गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गजनी। अल्पत गिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परिति गिन ने शासन किया। ध्यान रखेंगे कि अल्पत गिन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कुछ समय तक गजनी में परिति गिन जो थे एक शासक, उन्होंने शासन किया। ध्यान रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पत गिन 932 ईस्वी में और राजधानी गजनी, इस तरह से अल्पत गिन की मृत्यु के बाद जो शासक हुए उनका नाम था परिति गिन। इसी के शासनकाल में, यानी परिति गिन के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। यानी जो परिति गिन था उसने 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। यानी गजनी साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण कब किया, किसके शासनकाल में किया? तो गजनी साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण 972 से 977 ईस्वी के अंदर, यानी कि आपका परिति गिन के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया, जो कि गजनी साम्राज्य का एक शासक था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था।
प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन जयपाल शासन कर रहा था, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था, तो प्रथम तुर्क आक्रमण जो किया था वो परीति गिन ने किया था भारत पर। और उस समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था, उस समय परीति गिन जब आक्रमण किया था भारत पर यानी तुर्क का था, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम तुर्क आक्रमण, तो उस समय जयपाल शासन कर रहा था जो कि पंजाब के शाही वंश का शासक था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप इसको माइंड में सेट कर लेंगे कि जब प्रथम बार गजनी साम्राज्य के शासक परीति गिन ने भारत पर आक्रमण किया था 972 से 977 ईस्वी के अधीन जो शासन काल था उनका, उसके अंदर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया परीति गिन ने, तो उस समय पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल थे। अल्पत गिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्त गिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, यानी कि परीति गिन के समाप्ति के बाद, परीति गिन के शासन के समाप्ति के बाद सुबुक्त गिन जो है वह 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। ध्यान रखेंगे पहले आपका आए अल्पत गिन, उसके बाद परीति गिन, और उसके बाद आपके अल्पत गिन। तो अल्पत गिन कब बैठा, अल्पत गिन जो है का गुलाम तथा दामाद जो था वो सुबुक्त गिन था। सुबुक्त गिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले थे अल्पत गिन, उसके बाद आपके परीति गिन, और उसके बाद सुबुक्त गिन। महमूद गजनी सुबुक्त गिन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था, सुबुक्त गिन का, जिसका जन 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ध्यान रखेंगे कि महमूद गजनी सुबुक्त गिन का पुत्र था जो कि गजनी साम्राज्य के शासक थे। तो महमूद गजनी जो था उसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे। और सुबुक्तगीन यानी कि महमूद गजनी के पिता जब थे उन्हीं के शासन काल में, महमूद गजनी जो था वह खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था, खुरासान का। ध्यान रखेंगे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सुबुक्तगीन के शासन काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था, तो सुबुक्तगीन के शासन काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जब 27 वर्ष का महमूद गजनी हो गया तो वह गजनी साम्राज्य का शासक बना 998 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे कि महमूद गजनी गजनी साम्राज्य का शासक कब बना, तो महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, 27 वर्ष महमूद गजनी और गजनी साम्राज्य का शासक 998 ईस्वी में। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। ध्यान रखेंगे कि बगदाद के जो खलीफा थे, खलीफा जो था उस समय एक पद था जो कि आपको इस्लाम धर्म के जो गुरु होते थे उनको खलीफा नाम दिया जाता था। तो खलीफा जो थे उस समय के, जिनका नाम अल आदिर बिल्लाह था, उन्होंने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान किया और उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। ध्यान देंगे कौन कौन सी उपाधि दी थी अल आदिर बिल्लाह ने, खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेंगे। उसके बाद महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था धन प्राप्ति। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महमूद ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था धन प्राप्ति के लिए। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी कैसा आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ध्यान देंगे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनी जो था उसको किस नाम से पुकारा जाता था,
तो महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसको बोला गया है, तो महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी बोला गया है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो गजनी साम्राज्य का जो शासक था महमूद गजनी, वह भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वह 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर उसने अधिकार किया था और अपने देश लौट गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसको एक फ़ायदा ये हुआ था कि जो भारत का स्थान पेशावर है उसके कुछ भाग पर उसने क्या किया था, अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसके बाद वह क्या किया, अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने शाही राजा जो जयपाल थे 1001 ईस्वी में के विरुद्ध आक्रमण किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था जिसमें जयपाल की क्या हुई थी, पराजय हुई थी यानी हार हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1000 में तो वो पेशावर जीत के चला गया और उसके बाद महमूद गजनी जब दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, तो वह शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और जिसमें उसने जयपाल को पराजित कर दिया था। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि महमूद गजनी ने दो आक्रमण किए, पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया जिसमें उसने पेशावर के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया और उसके बाद वह अपने देश लौट गया, और दूसरा आक्रमण महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किया और भारत के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया और उसने जयपाल को हरा दिया। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछता है कि नगरकोट के विरुद्ध हमले को महमूद गजनी के किस महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जाता है। तो नगरकोट के विरुद्ध हमले को महमूद गजनी के मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत के तौर पे देखा जाता है और यह आक्रमण उसने 1008 ईस्वी में किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि नगरकोट के विरुद्ध जो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में, वह महमूद गजनी का मूर्तिवाद के विरुद्ध आक्रमण था और उसने इसमें जीत भी हासिल की। ये भी आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। दूसरी चीज़ है कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की जो कांस्य मूर्ति थी, यानी कि जो कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा थी, उसको गजनी भेजवा दिया था और वहाँ गजनी के रंगभूमि में उसको रखवाया था। तो ये भी आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब महमूद गजनी भारत आया तो उस समय उसने क्या किया था कि थानेसर के चक्र स्वामीन की जो कांस्य निर्मित मूर्ति थी, थानेसर के चक्र स्वामीन, ध्यान रखेंगे, थानेसर के जो चक्र स्वामीन की कांस्य मूर्ति थी उसको उसने गजनी भेज दिया और गजनी भेज करके उसको रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर किया। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर जो आक्रमण उसने किया था वो था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। ध्यान देंगे कि जब सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, उस समय सोमनाथ मंदिर की रक्षा अन्हिलवाड़ा के शासक कर रहे थे और अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
महमूद गजनी के आक्रमण के समय सोमनाथ मंदिर की रक्षा कौन कर रहे थे? तो अनिलवाड़ा के शासक कर रहे थे, ध्यान में रखेंगे ये। और 1025 में उसने क्या किया था, आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 20 लाख दिनार की संपत्ति महमूद गजनी के हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था उसी वक्त महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर दिया था? जाटों ने। और जो संपत्ति वह लूट कर ले जा रहा था, यानी 20 लाख दिनार के अप्रोक्स सोमनाथ मंदिर से लूट कर महमूद गजनी जा रहा था, तो उस संपत्ति में से कुछ संपत्ति को जाटों ने क्या किया, लूट लिया था उस पर आक्रमण करके। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अब महमूद गजनी क्या हुआ, जाटों पर गुस्सा हो गया क्योंकि जाटों ने उसकी कुछ संपत्ति लूट ली थी, इसलिए महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। उद्देश्य क्या था, जाटों के विरुद्ध मोर्चा खोलना था, तो इसलिए उसने जाटों के विरुद्ध यह आक्रमण किया था। कब किया था, तो 1027 ईस्वी में किया था महमूद गजनी ने जाटों के विरुद्ध आक्रमण। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वह महमूद गजनी था। ध्यान रखेंगे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो महमूद गजनी था, जिसे कि सुल्तान की उपाधि मिली थी। ये चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है, तो इसलिए सुल्तान महमूद गजनी से संबंधित है, जिसे कि पहली बार यह उपाधि दी गई थी। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, ये भी ध्यान रखेंगे कि महमूद की सेना में हिंदू शासक हिंदू भी थे जो कि उच्च पदों पर आसीन थे, और उन हिंदुओं में दो हिंदू जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, सेवंद राय और तिलक, ध्यान रखेंगे उनका नाम था सेवंद राय और तिलक, ये महमूद की सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन थे, तो सेवंद राय थे और तिलक थे, जो कि महमूद गजनी की सेना में हिंदू थे और ये उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई, तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि महमूद गजनी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1030 ईस्वी में हुई थी। और महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी, फरूखी। पहला है आपका अलबरूनी, दूसरा है आपका फिरदौसी, तीसरा है आपका उत्वी और चौथा है आपका फरूखी। यानी अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें महमूद गजनी या गजनी साम्राज्य से संबंधित। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी और गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। दूसरा शासक गजनी साम्राज्य का हुआ परीतिगीन। परीतिगीन ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, यानी गजनी साम्राज्य का प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला शासक परीतिगीन था। उसके बाद जब वह परीतिगीन ने भारत पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम गजनी साम्राज्य का शासक, तो उस समय पंजाब में शाही वंश के जो शासक थे वो जयपाल थे। उसके बाद जो आया शासक यानी परीतिगीन के बाद, उसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन सॉरी सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। ध्यान रखेंगे पहला शासक परीतिगीन, दूसरा शासक आपका, पहला शासक अल्पतगीन, दूसरा शासक परीतिगीन और तीसरा शासक सुबुक्तगीन। पहला शासक अल्पतगीन, दूसरा शासक परीतिगीन और तीसरा शासक सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो है वह जो है गद्दी पर बैठा 977 ईस्वी में, और आपको मैं बता दूं कि सुबुक्तगीन का ही पुत्र महमूद गजनी था, जो कि अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक था,
और महमूद गजनी जो है उसने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया भारत पर 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। और 1001 ईस्वी में जब वह आक्रमण किया था भारत पर, उस समय शाही राजा जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था। और इससे पहले 1000 ईस्वी में जो आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर, उस समय उसने पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। 1008 ईस्वी में जो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था नागरकोट के विरुद्ध, उसमें मूर्तिवाद के विरुद्ध उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत हुई थी। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जिसमें उसने 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटी थी। और उस समय अनहिलवाड़ के शासक सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे, तो ये आक्रमण महमूद ने अनहिलवाड़ के शासकों पर किया था। सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जाने वाले धन पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और महमूद गजनी से कुछ संपत्ति उन्होंने लूट ली। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और प्रथम शासक था महमूद गजनी जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। और महमूद गजनी की सेना में 2 हिंदू शासक भी हिंदू उच्च पदों पर थे, जिनका नाम सेवंद राय और तिलक था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ध्यान रखेंगे कि गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? तो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, यानी कि गजनी साम्राज्य का जो शासक था उसके अधीन, यानी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम गौर था। क्या नाम था उसका? गौर। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो गौर का शासक बना। ध्यान रखेंगे कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। ध्यान रखेंगे कि जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था उसने भारत पर जो आक्रमण किया था वह 1175 ईस्वी में किया था। और यह गौर साम्राज्य का जो शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसने जो भारत पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, ये किसके विरुद्ध था? तो भारत के शासक मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, और 1178 यानी 3 वर्ष के बाद उसने दूसरा आक्रमण किया था भारत पर, जिसमें पाटन गुजरात का नाम था, गुजरात पर यह आक्रमण किया था उसने, जहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। यानी कि जो भीम द्वितीय थे जिन्होंने गौरी को क्या किया था? बुरी तरह से परास्त किया था। और भीम द्वितीय जो थे वो गुजरात के उस समय शासक थे। ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था वह भीम द्वितीय के हाथों उसमें बुरी तरह से हार गया था। और भीम द्वितीय जो थे वो पाटन के शासक थे, गुजरात के शासक थे। मैं आपको महमूद गजनी से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी भी दे देता हूँ। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेंगे, क्योंकि ये आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही रेयर हो पाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेना है ये आंसर, कि आपको ये जो है भीम प्रथम जो है वो शासनकाल उसका था जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि VVI है, कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? तो उसका भीम प्रथम का शासनकाल था, और भीम प्रथम सोलंकी वंश एवं गुजरात के चालुक्य के शासक थे। ध्यान रखेंगे भीम प्रथम सोलंकी वंश एवं गुजरात के चालुक्य के शासक थे, और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दूसरी एडिशनल जानकारी ये है
कि महमूद गजनी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी चोल शासक जो थे राजेंद्र प्रथम, महमूद गजनी जो था वह उनके समकालीन था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस चोल काल के शासक के समकालीन गजनी का सुल्तान महमूद था, तो गजनी का सुल्तान महमूद जो था राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, जो कि चोल शासक थे। राजेंद्र प्रथम कौन से शासक थे, तो चोल काल के शासक थे, और गजनी का सुल्तान महमूद जो है राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो किसके समकालीन था, तो राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ के शासक थे वो कौन थे। भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो 1178 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था, और मोहम्मद गौरी ने दूसरा जो आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, भीम द्वितीय थे, जो कि गौरी को बुरी तरह से परास्त किए थे। ध्यान रखिएगा, पाटन ने गुजरात के जो शासक थे उनका नाम भीम द्वितीय था, और इन्होंने गौरी को बुरी तरह से क्या किया था, परास्त कर दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, ये तीनों युद्ध आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। पक्ष था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ध्यान रखेंगे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था, और गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और गौरी विजय हो गया। ध्यान रखेंगे कि पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का, और दूसरा तराइन का जो युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में, इसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि गौरी क्या हुआ, विजयी हो गया। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, यानी कि गौरी के विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान के 2 साल बाद फिर उसने चंदावर का युद्ध किया। तो चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में गौरी ने किया, उसमें गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ और गौरी विजय हो गया। ध्यान रखेंगे कि 1194 ईस्वी चंदावर का जो युद्ध हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, और इसमें गौरी क्या हुआ था, विजयी हो गया था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। ये भी ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी, और उसके बाद ये खत्म हो गया मामला। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। गजनी साम्राज्य का शासक महमूद गजनी जो था उसके अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम गौर था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर के विरुद्ध भारत पर आक्रमण कर दिया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में उसने भारत के विरुद्ध किया गुजरात पाटन पर, जिसके शासक थे भीम द्वितीय, जिन्होंने गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध गौरी ने लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया लड़ा, जिसमें गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ लड़ाई की, जिसमें गौरी फिर जीत गया। इस तरह से मोहम्मद गौरी जो है अपने जीते गए प्रदेशों का भार जो है अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप कर फिर गजनी चला गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।